दशहरे पर्व के कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में पूरे शहर में रावण के पुतले बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं इन दिनों शहर इंदौर में रावण के पुतले जलाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर रावण भक्त मंडल के लोगों ने जिलाधीश कार्यालय का ज्ञापन दिया। इंदौर के श्री रावण भक्त मंडल अध्यक्ष महेश गोहर ने बताया कि रावण हमारे आराध्य नहीं, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ पंडित, विद्वान एवं उच्च कुलीन ब्राह्मण इष्ट देव है। ऐसे में हर वर्ष रावण का पुतला दहन करने पर उनका अपमान होता है। बता दें, दशहरे पर रावण के पुतला दहन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर गोहर व उनके साथियों ने मंगलवार को जिलाधीश कार्यालय स्थित पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि रावण भक्त मंडल द्वारा इस संबंध में याचिका भी लगाई गई है। वैसे हम लोग कलेक्टर कार्यालय तो आज नहीं, इसके पूर्व में भी हम जाते रहे हैं। आज मंगलवार है, जनसुनवाई थी। जनसुनवाई में हमने आज माननीय हमारे मित्र जो हैं संगठन के महामंत्री हैं प्रिय कुमार जी शर्मा साहब और उनके नेतृत्व में हमने माननीय जिला कलेक्टर दिनेश जैन साहब आईएएस हैं उनको हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में मांग करी कि इंदौर ज़िले में जो जो भी जहाँ जहाँ भी रावण के पुतले का दहन होता है वो रावण के पुतले का दहन बंद किया जाए। इस पर माननीय कलेक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा है कि ठीक है, आज नहीं तो कल आपकी इस भावनाओं की मतलब कद्र होगी।